नमस्कार दोस्तों, मैं रामविलास आपके सामने आपका फ्रेंड, आपका गार्डनर टिप्स देने वाला। जितनी मेरे पास नॉलेज है आपको देता हूँ। तो आज की नॉलेज में, आज की गार्डनिंग टिप्स में हम आपको सिखाएंगे कि अपने घर की छत पे पपीता कैसे उगा सकते हैं। पपीता एक बहुत ही सेहतमंद फल है और इसको खाने से जो है बहुत सारी बीमारियाँ हमारी दूर रहती हैं। लेकिन मार्केट का पपीता जो है वो कई बार क्या होता है कि इंजेक्टेड पपीता आता है, उसको ज़बरदस्ती रंग देने की कोशिश की जाती है, कई बार मिठास डालने की कोशिश की जाती है, तो इस तरह से कई खामियां होती हैं। तो आप ये भी आप अपने घर की छत पे लगा सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है और कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा एरिया नहीं चाहिए। तो आइए हम आपको ए टू जेड टिप्स बताएंगे, बीज उगाने से लेकर पका पपीता कैसे काटेंगे, तोड़ेंगे, खाएंगे, वो सारी ही चीज़ें मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद है आप लास्ट तक बने रहेंगे और मेरे इस जानकारी का अपना तहे दिल से फ़ायदा उठाएंगे और अपनी पपीते की बागवानी अपने घर की छत पे भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, सबसे पहला स्टेप है, ये देखिए पपीते के बीज हैं। ये पपीते के बीज मैंने 5 से 7 दिन पहले भिगोया था, इसको ओवरनाइट सोक किया और ये देखिए अब ये जो है इसकी जर्मिनेशन हमारी हो चुकी है, ऑलमोस्ट सभी में जर्मिनेट हो रहा है। देखिए कमोबेश सब के अंदर जर्मिनेशन है। ये देखिए इस तरह से ये फटके जर्मिनेट होता है। 7 से 8 दिन ले लेता है ये जड़ने में, क्योंकि ये काफ़ी हार्डी होता है। अब इस तरह का जर्मिनेटन होने के बाद हमें क्या करना है, हमारे पास 2 तरीके हैं पौधे उगाने के। ये देखिए ये जो विदाउट जर्मिनेशन है, इनमें से भी जर्मिनेशन आ रहा है और ये तो आपने देखा कि जर्मिनेट हो ही गया है। 2 ऑप्शन उगाने के क्या है, एक तो हम क्या करते हैं कि इन सीड ट्रेस में उगाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीड ट्रे में उगाएंगे तो इस टाइम हमारी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सीड ट्रे का जो ये मिट्टी होती है बहुत थोड़ी होती है, अगर हम एक दिन भी पानी डालना भूल जाते हैं तो ये पौधा मर जाएगा। लेकिन अगर हम टेकिंग केयर प्रॉपर करें तो इससे बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि इससे निकालना बड़ा ईजी हो जाता है और ज़्यादा मात्रा हम पपीते की लगा सकते हैं, थोड़े एरिए में बीज पौधे जो लगा सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा जो चाहते हैं कि इतना केयर टेकिंग भी ना करना पड़े, हमारा पपीता भी उग जाए, तो ये देखिए ये हमने प्लास्टिक की थैलियाँ ली हैं, इसके अंदर ये मिट्टी हमने मिक्स करके भरा है। रेशो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो जर्मिनेट करने के लिए नॉर्मल मिट्टी हम 7:1 का रेशो लेते हैं, वही मिट्टी है जो मेरी वीडियोज़ में आप देखते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये निकल रहा है, कभी भी ऐसे मत लगाइए, ये रूट है, सूट नहीं है, ये नीचे जाना चाहिए। तब ये देखिए कि हमने यहाँ रखा और इसको इस तरह से थोड़ा सा हम मिट्टी हटाएंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 से 1.5 इंच मिट्टी करेंगे और इसको हम पपीते को बीज को इस तरह से हमने डाल दिया, ये चला गया। अब हम इसको इस तरह से ढक देंगे। दूसरा हमने लिया ये देखिए और इसको भी हमने ऐसे डाउन की तरफ किया, इसको ढक दिया। एक थाली के अंदर हम एक ही पपीता उगा रहे हैं, तो इस तरह से हम पपीता इसमें उगाएंगे। ये देखिए जो जर्मिनेट पोर्शन है इसको हम फिर से दिखा दे रहे हैं आपको कि ये देखिए, ये इसको हमने ऐसे थोड़ा सा करना है 1 से 1.5 इंची और ये इसको हमने ऐसे रख दिया, ये रह गया, इसके ऊपर हमने मिट्टी ये डाल दी सेम ऐसे ही। तो इसमें तो आप ऐसे लगा दीजिए, इसको ये लग गया। इसको क्या करना है, अभी जैसे गीला है 2 दिन 3 दिन पानी नहीं डालेंगे, लेकिन इसमें क्या है हमें डेली पानी डालना पड़ेगा, एरिया छोटा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो उस हिसाब से हमें इसको लेके चलना पड़ेगा। इसको हमने ये बीज उठाया और ये देखिए जैसा कि मैंने ये इसमें भरा हुआ है, ये देखिए इस तरह से एक के अंदर एक बीज हम डालेंगे और इसके अंदर जर्मिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा नीचे डालना पड़ेगा हमें। तो ये बीज लगाने का प्रोसेस है, इसको बीज को बड़े आराम से हम डाल देंगे अंदर, ऊपर से 1 इंची 1.5 इंची मिट्टी है और पानी जो है ना डेली स्प्रेयर से डालेंगे, किसी पाइप से पानी नहीं डालेंगे कि ये पौधा हमारा मर जाए, मतलब मिट्टी के साथ बाहर निकल के आ जाए, ऐसा नहीं करना है हमने।
थोड़ी सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। तो ये सावधानी हम रखते हुए इन पौधों को हमने सीड्स को इसमें जर्मिनेशन के लिए डाल दिया। ये हमारी जैसे भीगी हुई है, स्प्राउटेड है, तो ये 15 दिन के अंदर ही पौधा जो है बाहर आ जाएगा इसका, आप देखेंगे। और पौधा बाहर आने के बाद क्या करना है, हमें किसी गमले में शिफ्ट कर देना है उठा के, या किसी थैली में शिफ्ट कर देना है ताकि वो थोड़ा और ग्रोथ ले सके। लेकिन इससे पहले देखना कि पपीते का बीज का चयन जो है वो बहुत बढ़िया करना है। आप ऐसे हल्के बीज मत उगाइएगा कि वो पपीता जो है फल दे ही ना आपका, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक बढ़िया क्वालिटी का जो बीज आता है वो है रेड लेडी 786 के नाम से आता है। वो बहुत ही बढ़िया सीड्स होते हैं और उसका पपीते का भी साइज अच्छा होता है, प्रोटीन अच्छी होती है। दूसरा क्या है उसमें कि आपको मिठास पपीते में बहुत बढ़िया होती है। आपके पास कोई फुहाड़ा है तो उस तरह से डालिए, और नहीं तो हमें ये हाथ में लेके डालना है ताकि ये मिट्टी खुद के बाहर ना आए और इस तरह से आप जर्मिनेशन इसकी ले सकते हैं। तो मैंने बताया जैसा कि हफ्ते से ज़्यादा 8 से 10 दिन 15 दिन के बीच में हम ये पौधे हमारे सारे बाहर आ जाएंगे। और फिर हमें 1 महीना इसको वेट करना है, 1 से 1.5 महीने में हम इस पौधों को हम ट्रांसफ़र करने लायक हो जाएंगे। तो ये हमने डाल दिया, और इसी तरह हमने इसमें नहीं डाला क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मिट्टी गिली है, इसके अंदर हमने रख दिया। अब ये देखिए हमारा ये जो है जर्मिनेशन के लिए हमने डाल दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, जब हो जाएगा ये हमने बीज बोए और 15 से 20 दिन में उग जाएगा, 1 से 1.5 महीने में जब 3 इंची का पौधा हो जाए तो ऐसे गमलों में या बड़ी थैलियों में शिफ्ट कर लें ताकि ये थोड़ा ग्रोथ करे। क्योंकि 3 इंची का पौधा अगर ज़मीन में या बड़े चीज में लगाएंगे तो पपीता थोड़ा सा जो है ना प्लांट ऐसा होता है, थोड़ा नाजुक होता है, वो गल जाएगा। तो इस तरह से लगा देंगे। और ये देखिए हमारा, ये हमारा जो है लीफ कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट का टेक्सचर इस तरह से है। ये डाल के लगाएंगे, ये देखिए बिल्कुल डला हुआ है, ये देखिए मिट्टी में। और मिट्टी में डलने के बाद ये देखिए कि 2 महीने का पौधा हो गया, 1.5 से 2 महीने का अब इस तरह का पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये लीफ कंपोस्ट डालते हैं, और इसको फिर हम ग्रोथ जल्दी लेनी है, प्रोटीन ज़्यादा लेनी है, तो ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक बैक्टीरिया से बना हुआ खाद होता है ये। इसको हम 1 लीटर निकालते हैं, उसमें 4 लीटर पानी मिला के इसको और हम 15 दिन में डालते हैं, और इसकी ग्रोथ जो आपको 4 महीने में मिलनी थी वो आपको आधे टाइम में यानी कि 2 महीने में इसकी ग्रोथ मिल जाती है। और 4 महीने होते होते हमारा प्लांट जो है फ्रूट देने लग जाता है। मैं आइए फ्रूटिंग भी दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि मैंने दिखाया उसमें लगाया, इसके बाद हम इस ड्रम में शिफ्ट करेंगे। पपीते के लिए छोटा नहीं चलेगा ये, 200 लीटर का ड्रम हाफ है, इसमें हमने लगाया। और इसको हमने लगभग जो है 1 साल पहले लगाया था, और देखिए फ्रूटिंग पक के तैयार है। तभी से देखिए ये ज़मीन से 1 फुट 1 फुट से फ्रूटिंग देना शुरू करता है, और ये हमारी इतनी फ्रूटिंग लगी। अब ये सर्दी का टाइम जो है इस पैन में कोई फ्रूट नहीं आया क्योंकि डोरमेंसी में चला जाता है, और अब फिर गर्मी आ गई तो ये देखिए फिर से पौधा जागृत हो गया और इसमें फिर से फ्रूटिंग आनी शुरू कर देगा। 3 से 4 साल तक ये फल देगा। लेकिन इसके अंदर आप लीफ कंपोस्ट डालते रहिए, हर 3 महीने बाद आपको लीफ कंपोस्ट देना है ताकि बढ़िया फ्रूटिंग दे। अब आज मैं इसको हार्वेस्ट भी कर रहा हूँ, तो ये हार्वेस्ट कर लिया, देखिए लाल पपीता बिल्कुल तैयार है, और दूसरा भी जो है तैयार होने वाला है। तो हम पेड़ में से ही पका लेंगे, तो इसकी मिठास और लाली जो है वो गजब की होगी। आइए काट के खाते हैं इसको और दिखाते हैं आपको। देखिए कि पपीता हमने हार्वेस्ट किया अपना, और क्या पपीते का कलर आएगा, ये देखिए ये काट रहा हूँ मैं, कलर देख करके ही हैरान हो जाएंगे कि कोई ऐसा नहीं है, देखिए। और सीडलेस पपीता, कोई सीड इसके अंदर नहीं है, आपके सामने मैंने काटा, अभी जुड़ा ही हुआ है देखिए। तो ये सीडलेस पपीता हमारा बिल्कुल पक्के खाने को तैयार है। इसका खाने का टेस्ट तो अपना अलग ही होगा। ये देखिए मैं इसका, ये हमने छिलका उतारा, बहुत ही पतला छिलका है, और मैंने बताया है तो मैं ही भी खा के मैं ही दिखाता हूँ आपको। ये देखिए चीनी फेल है इसके आगे, गुड़ शक्कर फेल है, इतनी मिठास है। तो ये मेरा बेटा गर्भित है, और ये देखिए ये भी इसका स्वाद लेंगे और बताएंगे बेटा कैसा है, बताओ। बहुत ही ठंडक प्रदान करने वाली मिठास थी, गुड़ शक्कर मीठा कम है, इसमें जो मिठास है वो गजब है। तो आपसे
हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये मेरी टिप्स को फॉलो करें, लाइक करें और अपने घर में पपीता आप आराम से उगा सकते हैं। इसका मार्केट का जो 10 किलो पपीता खाया और ये एक पपीता खाया बराबर न्यूट्रिशन देगा आपको।